हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रगड़ा चाट की रेसिपी। चाट बहुत अच्छी लगती है हम सभी को, लेकिन रगड़ा चाट का टेस्ट ही अलग है। और जितनी ज़्यादा बनाने में ये आसान है, खाने में उतनी ही मज़े की लगती है। वैसे तो आप इसे कभी भी बना सकते हो, लेकिन रमज़ान में इफ्तार पर आप इसे बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो कैसे बनाना है, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मटर को गलाना है। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम मटर डाल देंगे। तकरीबन आधा किलो मटर मैंने रात को सोक कर दिया था। तीन चार बार अच्छे से वॉश करना और मटर को फिर सोक कर देना ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे फिर इस तरह से डाल देना इसको प्रेशर कुकर में। अब ये रगड़ा चाट बन रही है तो इसमें आलू तो हमें ज़रूर ऐड करने हैं। तो मैंने इसमें दो तीन बड़े साइज़ के आलू लिए थे, बीच से मैंने कट कर लिया है जिससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो आलू हम इसमें ऐड कर देंगे, और आलू के अलावा इसमें हम ऐड करेंगे नमक। साथ ही इसमें हम तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी। चलिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हमें इतना डालना है मटर के ऊपर अच्छे से आ जाए। ये देखें, इस तरह से पानी आ जाना चाहिए इसके ऊपर। इतना पानी आप इसमें ऐड कीजिएगा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं होता है इसमें। इसको चला देंगे हम। आप चाहें तो इसमें दो पिंच सोडा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें हल्दी और नमक ऐड किया है। चलिए अब इसे हम कवर कर देंगे, और इसे हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 प्रेशर देंगे। तो मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से आप इसे 3 से 4 प्रेशर ज़रूर दीजिए। अब देखें, प्रेशर इसका सारा निकल गया है, तो ये ढक्कन हम हटा देंगे। अब सबसे पहले आप मटर चेक कीजिए, मटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, मटर बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने आलू ऐड किए हैं ना, ये हम निकाल लेंगे। और आलू हमें निकाल कर सबसे पहले इनको मैश करना है। चलिए आलू हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपको एक पैन लेना है, मतलब कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, और इसमें ऐड कीजिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तकरीबन हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हींग। तो हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब यहाँ ये हल्का सा सुनहरा हो जाएगा ज़ीरा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कुटा हुआ धनिया। तो कुटा हुआ धनिया आपको ऐड करना है इसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून। तो धनिए से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम चाट बनाते हैं मटर की, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, और ये रगड़ा चाट भी बहुत मज़े की लगती है। अब जब धनिया अच्छे से भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आपको आने लगे, तो आपको इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड करना है। 3 से 4 हरी मिर्च और छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का लेना, और अच्छे से कूट कर इसमें ऐड कर देना। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चाट हमारी थोड़ी सी तीखी बनती है। तो हरी मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, और इसको भून लेना। अब इस टाइम पर मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम की हुई है, मतलब मसाले हमें जो भी भूनने हैं वो हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। चलिए अब इसमें हमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं। तो इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, और नमक इसमें मैंने डाल दिया है, ये टेस्ट के हिसाब से हमें इसमें ऐड करना है। हमने मटर में भी ऐड किया था ना, तो इस वजह से आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है। अब यहाँ ये मसाले भी हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले जब भून जाएंगे तो जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आलू से ये चाट बहुत अच्छी लगती है, और जो लोग आलू पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से आलू भी खाए जाते हैं, और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ग्रेवी एकदम से वो गाढ़ी सी हो जाती है मटर में। तो आलू को हमें यहाँ 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है, मसाले में मिला लेंगे और फिर इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो आलू में भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब जब यहाँ आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें आलू को, तो इसमें जो हमने मटर उबाला था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस से आप हरे मटर की चाट भी बना सकते हो, वो मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। अब यहाँ मटर को हमें अच्छे से आलू में मिला लेना है। तो शुरू में जब आप मिलाओगे तो थोड़ा सा ये आपको पतला लगेगा, मतलब लूज लगेगी आपको ये मटर की चाट, लेकिन जब इसको हम कुछ देर पकाएंगे तो ये थिक होती चली जाएगी। अच्छा, इसमें इस टाइम पर हम ऐड करेंगे भुना हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून आप इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मिलाकर आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना, मतलब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाना चाहिए, इतना आपको इसे पकाना है। या फिर जितना आप इसको थिक रखना चाहें उतना आप इसको पकाइए। अभी मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गई हैं इसको पकाते हुए, और आप देखें ये पहले से थिक हो गई है। तो जितना आपको थिक रखना है उतना आप इसको पका लीजिए। और सबसे लास्ट में आपको ऐड करना है इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब हम इसको पकाते हैं और थोड़ी सी देर के लिए भी रखते हैं ना, तो ये और गाढ़ी हो जाती है। तो चटनी आप ऐड करोगे थोड़ा सा ये लूज भी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा हो जाता है। अब देखें ये बिल्कुल तैयार है, गैस मैंने बंद कर दिया है।
इसी तरह से आपको ये तैयार करनी है। अब देखिए मुझे इसे पकाए हुए 5 मिनट हो गई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले से ये और ज़्यादा थिक हो गई है। तो इसी तरह से जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रखते हो ना तो ये गाढ़ी हो जाती है, तो इसे आप अपने हिसाब से लूज़ रखना जितना आपको रखना है। चलिए फटाफट से इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए इसमें हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आप देखिएगा मैंने ली है हरी चटनी, हरे धनिया की चटनी है ये, बहुत अच्छी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी है, तो ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका। और इसके अलावा हमने नींबू लिया है, थोड़ी सी भुजिया ली है, नमकीन जो होती है, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से ले सकते हो। चलिए जी ये चाट हमने निकाल ली है, इसमें बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट होती है, आप इसे ऐसे भी खाओगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन हमें क्योंकि सर्व करना है, थोड़ा सा लुकिंग अच्छी लगनी चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए ना, तो इस तरह से आप इसको पहले प्लेट में निकालिए, ऊपर से डालिए इस पर मीठी चटनी, हरी चटनी डालेंगे और साथ ही इसमें हम मसाले डाल देंगे, नमक डालेंगे, कुटी हुई मिर्च डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा। तो ये सारे ही मसाले आपको अपने हिसाब से ऐड करने हैं, हरी मिर्च भी अपने हिसाब से ऐड करना, थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है इसमें, और नींबू का रस ऐड करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और लास्ट में हम डाल देंगे ये थोड़ी सी भुजिया, तो बिल्कुल मार्केट की तरह से दिखने लगती है। थोड़ी सी हरी चटनी मैंने ऊपर से भी डाल दी है। तो ये प्लेट आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जैसा भी आपका टेस्ट है। ये चाट बहुत मज़े की लगती है, आप एक बार मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा, आप कई बार बनाओगे। आप इसे आलू टिक्की के साथ में भी बनाइए, उसके साथ में भी ये बहुत मज़े की लगती है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। ये इतनी यम लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सबको पसंद आती है और गर्मा गर्म सर्व होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।